पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी कैसे लें। अगर आप कोई अच्छा रोजगार करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपकी मदद कर सकता है। पोस्ट ऑफिस अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है। पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी के लिए आपको 5,000 रुपए जमा करना पड़ता है और बाद में अच्छी कमाई हो सकती है। पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने के नियम भी काफी आसान है, चाहे तो ऑनलाइन इनको चेक किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की अभी भी पूरे देश में पहुंच नहीं है, ऐसे में वो फ्रेंचाइजी देकर अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहता है। अगर आप मोटी कमाई वाला काम करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेकर ऐसा कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मिलती है पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी और इसको लेने का तरीका क्या है, और आपको देंगे पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी से होने वाली कमाई के बारे में पूरी जानकारी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी के प्रकार। पोस्ट ऑफिस दो तरह की फ्रेंचाइजी देता है। पहली है आउटलेट फ्रेंचाइजी। देश भर में कई जगहें ऐसी हैं जहां पोस्ट ऑफिस खोलने की जरूरत है, लेकिन वहां पोस्ट ऑफिस खुल नहीं पाया है। वहां के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए फ्रेंचाइज आउटलेट खोला जाता है। दूसरी है पोस्टल एजेंट्स फ्रेंचाइजी, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो शहरों और गाँव में पोस्टल स्टैम्प्स और स्टेशनरी घर घर पहुँचाते हैं। कौन ले सकता है ये फ्रेंचाइजी? पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी भारतीय व्यक्ति ले सकता है। इसे लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आपका पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास व्यक्ति पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकता है। फ्रेंचाइजी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। फ्रेंचाइजी मिलने के बाद काम के हिसाब से आपको कमीशन दिया जाता है। ये 1,000 रुपए महीने का हो सकता है। काम क्या होगा? पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने वाले को ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली सुविधाएं जैसे स्टैम्प, स्टेशनरी, स्पीड पोस्ट, आर्टिकल्स, मनी ऑर्डर की बुकिंग की सुविधाएं मुहैया करानी होती हैं। ये सुविधाएं आप फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलकर या फिर पोस्टल एजेंट्स बनकर घर घर पहुंचा सकते हैं। कैसे करें आवेदन? पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन करना होता है। इस फॉर्म के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। जिन लोगों को चुना जाएगा उन्हें एक पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ एक MOU साइन करना होता है। इसके बाद ही वो ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस से जुड़ी सुविधाएं दे सकेंगे। तो आज हमने आपको पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी की पूरी जानकारी दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।